वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए तो बापा का नाम लेके शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग प्यारे और अनोखे प्रोग्राम के लिए। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस प्रोग्राम लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 65th फाउंडेशन डे ACGC के सारे एम्प्लॉयज के लिए, सारे कस्टमर्स के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। बहुत बड़ा दिन है एंड आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे काम करके, यहाँ पे अपनी सर्विस दे के बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। एंड ACGC इज ऑल्सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल सारी। वैसे लोग मुझे वॉइस ऑफ राहुल के नाम से जानते हैं। मैं प्रेजेंट करने वाला कुछ अमेजिंग टैलेंट्स ECGC से जो कि इस शाम में चार चांद लगा देंगे। वेलकम एवरीवन टू द एनुअल प्रोग्राम ऑफ 65th फाउंडेशन डे ऑफ ECGC। लेट्स चेक आउट द टैलेंट्स एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस प्रोग्राम। बने रहिए और देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, ECGC रिटायरीज ग्रुप यस्टरडे ऑन 30th जुलाई हैज सेलिब्रेटेड ECGC फाउंडेशन डे। On that occasion, our seniors, Sri Govindanji, Sri Prabhakaranji, has spoken on how the organization has grown and talked on ECGC's unique culture. We have also organized an entertainment program wherein ECGC retirees and its family members have performed. We are very, very happy that we will be uploading this recorded program for you on YouTube. There are many who could not join yesterday, who have missed this program, now can view it on YouTube. Thanks everyone who has made this program a great success, and my special thanks to Rahul Sari, the son of our colleague Mr. Ganesh Sari, who has done everything to make this program very success. So thank you friends and enjoy the entertainment program. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पार्टिसिपेंट्स की तरफ जो कि है मिस्टर एम रामकृष्णन। रामकृष्णन जी मुंबई से हैं, सो एब्सोल्युटली मुंबई कर जस्ट लाइक मी। एंड यस, उनके बारे में अगर बताने जाए तो उनको म्यूजिक बहुत पसंद है और पर्टिकुलरली म्यूजिक में रेट्रो बॉलीवुड, और वो किशोरदा के सॉन्ग्स बहुत पसंद करते हैं, किशोरदा के सॉन्ग्स गाना भी बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने लॉकडाउन में एक्चुअली एक बहुत अच्छा टैलेंट एक्वायर किया है जो कि है डोसा मेकिंग। सो उनके डोसास जो वो अपने फैमिली के लिए बनाते हैं, उनकी पूरी फैमिली बहुत चाव से उसको खाती है एंड एंजॉय करती है। अबाउट हिम टू टेल समथिंग स्पेशल इज दैट ही नोज द साइन लैंग्वेज। तो आपने अगर फिल्मों में और बहुत सारे जगह पे देखा होगा कि व्हेनेवर वी कम्युनिकेट विद डम एंड डीफ पीपल, so we need to have the learnings of the sign language jo ki M Ramakrishnan ji jante hain. So very interesting personality, and he's gonna sing two beautiful Kishoredas songs, one in Hindi and one in, okay main aapko nahi bata raha, aap gaane mein dekh lijiye. Here is presenting Mr. M Ramakrishnan. मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने ये मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में, ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो
लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल में करके इशारा, कहा अब ये सारा जहां है तुम्हारा, मोहब्बत जवा हो खुला आसमा हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा। जुगे जुगे आमी तुम्हारी, चिरदिनी तुम्ही जे अमार, जुगे जुगे आमी तुम्हारी, आमी आछी शेजे तुम्हार, तुम्ही आछो शे अमारी, छोंगी আমরা আমার সঙ্গী, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়াতে মন আপো আমার যে আর কেউ নাই, এত কাছে রয়েছো তুমি আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়াতে মন আপো আমার যে আর কেউ নাই, আমি কি গো তোমাকে ছেড়ে একা একা থাকতে পারি, সঙ্গী আমরা আমার সঙ্গী।
না তো জীবন সেদিন হবে একাকার দুজনার এই দুটি মন এ জীবন পড়িয়ে যদি পাবো এক নতুন জীবন সেদিন হবে একাকার দুজনার এই দুটি মন হৃদয়ে সব কবিতা জোরে পড়ে ছন্দ তারি চিরদিনই তুমি যে আমার যুগে যুগে আমি তোমারি আমি আছি সে যে তোমার তুমি আছো সে আমারি সঙ্গী সঙ্গী আমরা আমার সঙ্গী। Next up we have Usha Ramchandran ji. उषा जी ने अपने स्कूल डेज से ही कर्नाटिक म्यूजिक सीखा हुआ है। इन्होंने काफी सारे म्यूजिक वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं। इनको म्यूजिक में डेफिनेटली रुचि है, गाने में रुचि है एंड इन्होंने जो गाना चूज किया है वो भी आइकॉनिक क्लासिक है फ्रॉम द रेट्रो बॉलीवुड, जो कि सभी जानते हैं, सभी इसको गुनगुनाना भी पसंद करते हैं एंड डेफिनेटली सुनना पसंद करते हैं। उषा जी को स्टार मेकर और स्म्यूल जैसे जो ऑनलाइन सिंगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनपे भी गाना बहुत अच्छा लगता है एंड मैंने भी इनफैक्ट इनके साथ एक वीडियो बनाया है स्म्यूल पे, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्यूएट। बट बिफोर आई शेयर दैट, इनका सोलो सॉन्ग सुनते हैं जो कि मैंने बोला था आइकॉनिक क्लासिक फ्रॉम द रेट्रो बॉलीवुड, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, आइए इसको सुनते हैं। Oh,
कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन का जीवन मेरा, बस गया प्यार जिस पे तेरा। टूट ना जाए सपने मैं डरता हूँ, इस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट ना जाए सपने मैं डरता हूँ, इस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये शारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। आहा से पहले मेरे नैनों के मिलने से पहले, हाँ बागों में फूलों के खिलने से पहले, मेरे नैनों के मिलने से पहले। कहाँ की ये बातें मुलाकातें ऐसी रात, बन गया चांद होके तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। आहा हा हा।
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टैलेंट की तरफ जो कि है मिस्टर डी के माथुर। इन्होंने बोला था कि इनके पास शेयर करने जैसा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, बट आई फाइंड हिज बायो एज इंटरेस्टिंग एज हिज वॉइस। इनकी आवाज आपको डेफिनेटली मुकेश जी की याद दिलाएगी, और इन्होंने जो गाना चूज किया है वो भी एक आइकॉनिक मुकेश दा का गाना है, बहुत ही प्यारा जिन्होंने गाया है। इनको स्पोर्ट्स में रुचि है जैसे कि कैरम, टेबल टेनिस, क्रिकेट, ये बहुत उसमें खेलना पसंद करते हैं। ये गार्डनिंग भी जानते हैं तो उसमें भी अपना टाइम देना पसंद करते हैं, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और अपने फैमिली को भी टाइम देना पसंद करते हैं। इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी एंड इनका गाना भी उतना इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको सुनते हैं एंड एंजॉय करते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर है, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताओ किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हो जैसे माला में धागा, आ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, तेरा मेरा प्यार लेना होगा।
की सरगम धड़कन की वीणा सपनों की गीतांजलि तू मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जो की गली तू छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी नगर हो या मेरा यार आए मन हो जाए के बीच अकेला बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा लेना होगा जन्म हमें कई कई बार पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे इतनी ही तू पास आए आधी ने रोका पानी ने ठोका दुनिया में हंसकर पुकारा तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई कई बार कई कई बार क्या बात है क्या गाया है राइट इतना बढ़िया टैलेंट आपको कहाँ मिलेगा चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टैलेंट की तरफ जो कि है वीसा लक्ष्मी मैम इनको भी गाने में बहुत बहुत रुचि है ये गाना इनफैक्ट सीखती भी है एंड शी बिलीव्स दैट देयर इज नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग सो ये सीखने में बहुत बिलीव करती है एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट बिकॉज कोई भी एज हो इट जस्ट अ नंबर एंड आप कभी भी कोई भी चीज सीख सकते हो इन्होंने जो गाना चूज किया है वो भी एक बहुत ही प्यारा बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है एंड आई एम श्योर कि आप सबको ये पसंद आएगा शी इज अ वेरी फन ग्रैंड मॉम एंड इनको क्लासिकल म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है सीखती रहती है एंड इन्होंने 30 साल से भी ज्यादा अपनी सर्विस ECG से में प्रोवाइड की है सो आइए इनका बहुत ही प्यारा गाना सुनते हैं एंजॉय करो
जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयां पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयां हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयां दो जहां की आज खुशियां हो गई प्यार के काबिल मुझे दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। टैलेंट की खोज में चलते हैं इंटरनेशनल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मनोज मैथ्यू जो कि है मिस्टर एंड मिसेस वीएम मैथ्यू इनके बेटे। ये फिलहाल कनाडा में स्थित हैं और 2003 से वेस्टर्न म्यूजिक सिखा रहे हैं कंजर्वेटरी और म्यूजिक स्कूल्स में। इनका अपना एक बेसमेंट स्टूडियो भी है जहाँ पे अपना म्यूजिक बनाते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। इनफैक्ट ये प्रैक्टिकल और थियरी म्यूजिक भी आपको सिखा सकते हैं एंड गिटार और पियानो बहुत अच्छा प्ले करते हैं। आई हैव वेरी ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ मनोज विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस, सो गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज एंड लेट्स वॉच हिम। सो टुडे वी हैव क्लिफ रिचर्ड, Bachelor Boy, my favorite from school days. Here we go. When I was young, my father said, "Son, I have something to say." And what he told me, I'll never forget until I die. He said, "Son, you'll be a bachelor. Titled "You Are a Team for My Dream" by Cliff Richard. There's a Hindi song inspired by this one, which came out lately in "Lage Raho Munna Bhai." Pal, 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 so many pals, har ek pal, do pal, and all that. So many pals, that one. So, you know, I love this song from school days. Hope you all like it. And let's be the reason to put a smile on someone's face. Okay, if you can make someone smile today, that's the best thing you can do. You are a theme for my dream, yes you are. A lone and lovely dream, you're a theme for my dream. Your dreams I dream day and night, cause your arms are holding me so tight. You're a theme for my dream. In my dreams I kiss you, kiss you, kiss you. Music fills with starlight. Every time I touch you, dream like touch you, each and every time the chime rings out,
I love you, only you forevermore. 'Cause you're a theme for my dream. Yes, you are a very lovely theme. You're a theme for my dream. So angel, please say that you love me too and make my dreams come true. You're a theme for my dream. In my dreams I kiss you. Music fills with starlight. Every time I touch you, each and every time the chime rings out, I love you, only you forevermore. 'Cause you're a theme for my dream. Yes, you are a lovely dream. You're a theme for my dream and make my dreams come true. Please make my dreams come. Thank you very much. God bless you all. See you next time. Bye-bye. इतने सारे प्यारे गाने और इतने सारे प्यारे लोग, इसी चीज से मैं डेफिनेटली टैलेंट की कोई कमी नहीं है. और इसी बात को प्रूव करने के लिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टैलेंट की तरफ, जो कि है मिसेस इंदिरा जी. इंदिरा जी एक मुंबईकर हैं और 43 इयर्स की सर्विस दे चुके हैं. इनका 3 साल का ग्रैंडसन है, जिसके साथ टाइम बिताना इनको बहुत बहुत पसंद है, जस्ट लाइक अ ग्रैंड पेरेंट. एंड इनको योगा और सिंगिंग में बहुत रुचि है. सिंगिंग तो ये अच्छा करती ही है. इनको नए डिशेस ट्राई करना बहुत पसंद है, मतलब मैं खाने की बात कर रहा हूँ, तो इनको वो बहुत पसंद है. इन्होंने जो गाने चूज किए वो भी अगेन बहुत ही प्यारे रेट्रो क्लासिक्स हैं. आइए इन दोनों गानों को सुनते हैं एंड एंजॉय करते हैं. बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना. हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना. हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना. यूँ हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए. ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए. हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना. हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना. ए मोहब्बत है वो भोले भाले, करना दिल को कामों के हवाले. काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले. हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना. हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना. कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान. हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे. अपना बना ले मेरी जान. हाय रे मैं तेरे कुर्बान. कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान.
हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आइयो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, आइयो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगू, सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू, सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू, किस्मत बना दे मेरे दुनिया बसा दे मेरे, कर ले सगाई मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे, जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे, अपना बना ले गोरी आएंगे काम तेरे, अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे, अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे, कुर्ती ये जाली वाला उस पर मोतियन की माला, कुर्ते ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। इतने सारे प्यारे प्यारे टैलेंट्स को सुन के और देख के मुझे अपने कॉलेज डेज की याद आती है, जहां पे मैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय म्यूजिक लाइक एनीथिंग। वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। Yes, इसी बात पे बढ़ते हैं अगले टैलेंट की तरफ, जो कि है मिस्टर संजय डोंगरे जी, जो कि अपनी 31 इयर्स की सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं ECGC में, एंड अभी हाल ही में रिटायर हुए 2018 में एज एन असिस्टेंट मैनेजर। इनको किशोरदा के गाने बहुत पसंद है और इनको गाना भी पसंद है, सीखते भी रहते हैं, और इन्होंने काफी सारे ऑफिस ट्रिप्स और आपकी जो हॉलीडे प्रोग्राम्स है उसमें गाया हुआ है। आइए इनका गाना सुनते हैं, बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स किशोर दा के, एंड आई एम श्योर आप सबको पसंद आएंगे। लेट्स गो। ये जीवन है, इस जीवन का
यही है रंग रूप ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ यही है चाव धूप ये जीवन है। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यू ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप ये जीवन है। ओ अचानक आ गई यू नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। ओ अचानक आ गई यू नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फ बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। किसी ने गाने में सही कहा है, जो बीते हुए पलों को हम लोग वापस नहीं ला सकते, बट वी कैन डू समथिंग इन द प्रेजेंट कि जो हमारे पुराने दिनों की याद जरूर दिला सकते हैं। And looking at all these amazing talents, I'm sure कि आपको भी अपने school और college days की याद जरूर आई होगी। इसी talent के सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे next तड़कते फड़कते talent की तरफ, जो कि हैं कल्पना मारवाड़ी जी। इनके बारे में बताने जाए, something interesting is कि इन्होंने अपने retirement के 4 साल पहले ही VRS ले लिया था, right? इनके बड़े बेटे हैं जो कि एक marine engineer हैं, और इनके छोटे बेटे हैं जो अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, MBA कर रहे हैं, along with sports management. इनके हॉबी के बारे में बताने जाए, आई कैन बेस्ट डिस्क्राइब इट एज बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, राइट? इनके सामने आप कुछ भी रख दो, जैसे कि कोकोनट शेल, बॉटल, कोई भी पेपर, स्टोन, एनीथिंग, ये उसको पेंट कर सकती है बहुत खूबसूरती से। सो यस, पेंटिंग एनी वेस्ट मटेरियल, ये इनकी हॉबी है। इनको अलॉन्ग विथ द पेंटिंग, स्यूइंग, गार्डनिंग और स्टोरी टेलिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है, एंड डेफिनेटली म्यूजिक ऐसे पीछे रहेगा। गाना भी इनको बहुत पसंद है, ये गाती भी बहुत अच्छा है एंड बहुत तड़कता फड़कता गाती है। मराठी का एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही पुराना एक आर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग लावणी बोलते हैं। ये प्रेजेंट कर रही है मैशअप ऑफ सम अमेजिंग एंड सदाबहार लावणी फ्रॉम द मराठी म्यूजिक, एंड चलिए इसको सुनते हैं। ऐका हो योग कशी तशी मी नांदायला हो, योग
ओंकार प्रधान रूप
पांडुरंग पांडुरंग बोल तो मृदंग, पांडुरंग पांडुरंग बोल तो मृदंग, बोल तो पाषाण ही तोचि पांडुरंग, बोल तो पाषाण ही तोचि पांडुरंग, तोचि पांडुरंग, पांडुरंग पांडुरंग बोल तो मृदंग। मैं ही क्यों गा रहा हूँ, ये बहुत ही प्यारा मराठी डिवोशनल सॉन्ग है। एंड जो हमारी नेक्स्ट टैलेंट है वो भी इसी जॉनर से बिलोंग करती है, इसी जॉनर के बहुत सारे गाने हैं जैसे कि भजन, डिवोशनल सॉन्ग, ये गाना पसंद करती है, चाइल्डहुड से ये गाती आ रही है और इनको म्यूजिक में डेफिनेटली बहुत रुचि है। इन्होंने गांधर्व यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस म्यूजिक यूनिवर्सिटी है वहाँ से ऑलरेडी 4 एग्जाम्स कम्प्लीट किए हुए हैं। नीता देवस्थली इनका नाम है और ये अब भी मराठी मंडल और बहुत सारे भजन प्रोग्राम्स में गाती रहती है। इन्होंने काफी सारे एनुअल डेज पे भी परफॉर्म किया हुआ है। आइए इनका गाना सुनते हैं, बहुत ही सुकून भरा, बहुत ही डिवोशनल और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। पांडुरंग पांडुरंग देव माझा मिठू सावला, देव माझा मिठू सावला, मळत्याची माझी आंगळा, मळत्याची माझी आंगळा, देव माझा मिठू सावळा, देव माझा मिठू सावळा, मिठू
नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा, मन माझे केशवा, मन माझे केशवा, पर्सनैलिटी एक ही गाने में भी छलकती है, तो आइए इनका तड़कता फड़कता गाना सुनते हैं एंड आई एम श्योर आप सबको पसंद आएगा। हरि ओम हरे, हरि ओम हरे। नहीं नहीं नहीं, ये बातें है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, तामा आरो का इसको किसने, आइए तो बेटा पानी, ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, ला 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 जू 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 जू, ए हे हे हे, ए हे 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 हे, आँखों में है सपना नया,
सुटेरा एक मोती है बना सुनी डगर पे जैसे सुनी है चाह सुहानी ऐसी पहली है ये कैसी पहली जिंदगानी थामा हरो का इसको किसने हाँ ये तो बहता पानी ओ कैसी पहली है ये कैसी पहली जिंदगानी पीले इसे इसमें नशा जो भी पिया वो गम में भी घसा गम में हंसाए और दम में रुलाई कहानी कैसी पहली जिंदगानी थामा आरो का इसको किसने हाँ ये तो बहता पानी ऐसी पहली है ये कैसी पहली जिंदगानी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टैलेंट की तरफ जिनकी आवाज आपको डेफिनेटली मंत्रमुग्ध कर देगी, जो कि है सुषमा नवलकर जी। इन्होंने 26 इयर्स की सर्विस दी है ईसीजी से में और इन्होंने अपना जॉब छोड़ा था अपनी फैमिली के लिए। ये क्लासिकल म्यूजिक में रुचि रखती हैं, क्लासिकल ट्रेनिंग भी ले चुकी हैं और अपने दोस्तों को भी सिखाती हैं। दैट्स सो वंडरफुल। इनका म्यूजिक ही लाइफ और पैशन है और हाल ही में इन्होंने पोएट्री भी लिखना चालू किया है। चलो तो देखते हैं इनके लाइफ और पैशन का एक छोटा सा नगमा, इनके प्यारे गाने। सुषमा नवलकर जी, या फॉर यू। Yeah.
जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए। कितना प्यारा और सदाबहार गाना है राइट। इस गाने का जो राग है राग मालगुंजी, इस पे ही बेस्ड एक गाना गाने के लिए आ रही है हमारी नेक्स्ट टैलेंट। लेट्स वेलकम गीता मुरलीधर जी। बहुत ही प्यारा गाती है, वेरी सीनियर पर्सन एंड इन्होंने भी अपनी काफी साल की सर्विस इसी जिसे में कंप्लीट कर ली है। तो अब ये गाने आ रही है, एक बहुत ही प्यारा गाना फ्रॉम आइकॉनिक मूवी दैट इज कॉल्ड एज आनंद फ्रॉम 1971। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये, और ये गाना है लता दी ने गाया हुआ, जो कि 3 लैंग्वेज में वैसे ऑलरेडी आ चुका है, हिंदी, तमिल और बंगाली। सो आइए इसको इन 3 लैंग्वेज में सुनते हैं, बहुत ही प्यारा गाना। ना जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। நெஞ்சிலிட்ட கோலமெல்லாம் அழிவதில்லை, என்றும் அது கலைவதில்லை, எண்ணங்களும் மறைவதில்லை. நெஞ்சிலிட்ட கோலமெல்லாம் மறைவதில்லை, என்றும் அது கலைவதில்லை, எண்ணங்களும் அழிவதில்லை. அந்த நாளம்மா என்ன ஆனந்தமே, எண்ணும் பொழுது ஏதோ சுகம் எங்கோ தினம் செல்லும் மனது. লাগে না কে জীবনে কিছু জনে ভালো লাগে না, না মনো লাগে না, না মনো লাগে না, না মনো লাগে না, চোখে চোখে চেয়ে কান্না ভালো ও লাগে না, মনো লাগে না, চোখে চোখে চেয়ে কান্না ভালো লাগে না, না তোমার যাও কহিন যাও কবি ভক্ত সে কেনা জরা ও ঠহর যায় ওই जाओ कभी जाओ कहीं वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वही वो घड़ी वही रहे ना जाए ना, ना जिया लगे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो ना जाए कहीं। परफॉर्मेंसेस में खो गए होंगे तो वापस आ जाइए, बिकॉज वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट टैलेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है सुरेखा रानी जी की। म्यूजिक की तो ये शौकीन है ही है, बट इनको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। इन्होंने रेकी का 1 एंड लेवल 2 का कोर्स किया हुआ है। रेकी अगर आपको पता नहीं हो तो इट्स अ जापानीज फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कॉल्ड एज एनर्जी हीलिंग।
अलोंग विद द रेकी इन्होंने एक्यूप्रेशर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के भी बारे में कोर्सेज किए हुए हैं। 17 इयर्स से ये एक्चुअली ब्रह्म विद्या साधना में माहिर है और इन्होंने बहुत सारी मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और यूनिवर्सल कॉज ऑफ लाइफ के बारे में भी पढ़ा हुआ है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी और डेफिनेटली बहुत सारा चीज इन्होंने पढ़ा हुआ है। आइए इनका गाना सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सॉन्ग ये गाने वाली है और आप मदहोश हो जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। Ooh.
ठिकाना है किस पल के आगे के अर्श बसाना है किसने देखा है कल किसने जाना है किस पल से पाएगा जो तुझको पाना है देने वाले सोच ले यही वक्त है आपका दिल जरूर जीतने वाले हमारे नेक्स्ट टैलेंट नेक्स्ट परफॉर्मर आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर डीवीएस साई रामा जी जो की एक मृदंगम प्लेयर है बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी और सच टैलेंटेड पर्सन ये रिटायर हुए थे एज अ डीजीएम और इन्होंने वैसे तो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन के लिए भी अपना परफॉर्मेंस दिया है और बहुत सारी कंट्रीज में भी इनफैक्ट ये बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म कर चुके हैं जैसे कि इंडिया रशिया आर्मेनिया जॉर्जिया एंड वॉट नॉट तो इनकी जो डॉटर है ये भी इनफैक्ट बहुत अच्छी वोकलिस्ट है और मिक्स मीडिया आर्टिस्ट रह चुकी है ये डीबीएस इंडिया के लिए काम करती है साई रामन जी के जो भाई हैं इनफैक्ट दो इनके जो भाई हैं वो भी इंटरनेशनल वीणा एंड इंटरनेशनल मृदंग प्लेयर रह चुके हैं सो प्रेजेंटिंग टू यू साई रामन जी विथ हिज यूनिक स्किल्स एंड उनकी डॉटर दुर्गा जी जो कि एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग शेयर करने वाली है सो लेट्स लिसन टू देम एंड दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन दिंदा नमस्कार गुड इवनिंग ladies and gentlemen happy foundation day to all of you today I am going to perform an art form in Carnatic classical music called Konagol in this art form the artist performs the bol or jati which he normally plays on mridangam from his mouth This will be followed by an invocation to Lord Ganesha. Jim tata jim tata jim 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 jim tata kita jim tata kita jim tata kita tata kita jim tata kita dom tata kita nam tata kita मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं शकं विलासि लोकरक्षकं अनायकैकनायकं विलासि ते भदैत्यकं नता सुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नतेतरातिरीकरं न बोधितार्थभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जनं नटाधिकापदोद्धरं सुरेश्वरं विधेश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं वरेधरोधरं वरं वरे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोति
भास्परम् नमस्करोमि भास्परम् अकिञ्चनाति माजनम् चिरान्तनोक्ति भाजनम् पुरारि पूर्वनन्दनम् सुरारि गर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणम् धनञ्जयादि भूषणम् कपोलदानवारणम् भजे पुराणवारणम् भजे पुराणवारणम् कान्तकात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तन हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना त्वमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना त्वमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् विचिन्तयामि सन्ततम् विचिन्तयामि सन्ततम् तर्हि तत्तच्छन् तत्तच्छन् तर्हि तत्तच्छन् तत्तच्छन् तर्हि तत्तच्छन् नर्हि तत्तच्छन् तर्हि तत्तच्छन् तङ्कटतकचिन् चिन् तर्हि तत्तच्छन् తత్తజ్జండు తాకి తత్తజ్జండు తంకడ కగజించండు తాకి తత్తజ్జండు తంకడ కగజించి తాకి తత్తజ్జండు తంకడ కగజించండు తత్తజ్జండు తత్తజ్జండు తాకి 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 తత్తజ
తజ్జంతం కుదకన తెరగడం తజ్జంతం కుదకన తజ్జంతం కుదకన తజ్జంతం తెరగడం తెరగడం తజ్జంతం కుదకన తజ్జంతం కుదకన తెరగడం తెరగడం 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 इतने सारे अमेजिंग परफॉर्मेंस को देखते देखते मैं तो खो ही गया था, मुझे टाइम का पता नहीं चला, बट यस वी हैव कम टू द कंक्लूजन, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट्स और इतने सारे गाने हम लोग ने सुने, देखे और एंजॉय किए। आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आया होगा। सभी पार्टिसिपेंट, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज फॉर पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड मेकिंग दिस प्रोग्राम अ बिग बिग सक्सेस। 65th फाउंडेशन डे इज वन ऑफ द माइलस्टोन डेफिनेटली, एंड इस मेमोरेबल डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब ने इसके लिए मेहनत की है एंड वो डेफिनेटली रंग लाई है। आई होप यू हैव एंजॉयड द प्रोग्राम। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो हम अलविदा तो नहीं कहेंगे, बट यस इसी वादे के साथ आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ कि हम लोग वापस किसी दिन फिर से मिलेंगे खुशियां बांटने के लिए और ऐसे प्यारे प्यारे टैलेंट को सुनने और देखने के लिए। इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल साली अब आपसे विदा लेता है। फिर किसी दिन मुलाकात होगी और हम आ जाएंगे खुशियां बांटने इन अमेजिंग टैलेंट्स के साथ।
एंड इस कम्युनिटी को एंजॉय करने के लिए जिसका नाम है ECGC. ECGC जैसे प्यारे परिवार को होस्ट करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच. आपका ये होस्ट एंड दोस्त राहुल साली फिर कभी आपसे मुलाकात करेगा. तब तक के लिए ऐसे ही गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुशियां बांटते रहिए और 65th फाउंडेशन डे की आप सभी को फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. मिलते हैं किसी और दिन एंड तब तक के लिए सायोनारा सायोनारा.